लैम्ब्रिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर। जो मणिपुर से अब फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये है स्पोर्ट्स ग्राउंड, मोस्टली कोर्स भी आफ्टर प्लेसमेंट है। तो ये होने वाला है प्यारा सा हॉस्टल आपके लिए, जो आप देख रहे हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारे फूड कोर्ट हैं यहाँ पे। आप ऐसे बीटेक स्ट्रक्चर के लिए ऐसा फीस इंडिया में कहीं नहीं मिलता। IBM से यहाँ बीटेक करने वाले हैं, उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। सर राजस्थान से, गोरखपुर से। आप फर्स्ट ईयर से ही सब करना चालू कर दो एंड दे विल हेल्प यू, गाइड यू इन व्हाटएवर वे यू नीड। ये 2-सीटर मिलेगा, हर बच्चे को टेबल और चेयर मिल जाएगी। कोलकाता से यहाँ की जर्नी की, तो यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं। हर तरफ CCTV लगे हुए हैं, पेरेंट्स को कंसर्न रहता है सिक्योरिटी का, तो फुल सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल का खाना कैसा? बढ़िया है सर, एकदम। पॉलिटेक्निकल के जो बच्चों ने पीछे आप मेरे देख रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे मॉडल बनाए हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, उसके लिए यूनिवर्सिटी की स्पेशल क्लासेस यहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाते हैं। स्वागत है हमारा इस आज के न्यू एजुकेशन ब्लॉग में, और आज हम हैं लैम्ब्रिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ खास बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग देखते हैं कि चंडीगढ़ के पास हमें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ से जलंधर हाईवे है, और ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मात्र 40 मिनट्स आपकी ड्राइविंग पे यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में हम पहुँच जाते हैं। और उसके बाद एक खास और है यूनिवर्सिटी की, स्टार्ट करने से पहले, कि ये यूनिवर्सिटी में मोस्टली कोर्स पे आफ्टर प्लेसमेंट है। वाओ! और एक चीज़ खास, और जो बाकी के आपके यूनिवर्सिटी के CSE के इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज हैं, वो IBM LNP के साथ भी अप्रूवल है। तो हम यूनिवर्सिटी की विजिट करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी कैसी है, हॉस्टल कैसे हैं, लाइब्रेरी कैसे है, कैसे आप यूनिवर्सिटी में इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं, आइए। सो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हैं, तो आप कैंपस की ब्यूटी दे सकते हैं। और एक खास बात और, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पीछे आते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, क्योंकि जो इसको और भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती हैं। आइए, जो मेरे आप इस साइड देख रहे हैं, वो है यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो यूनिवर्सिटी का बीटेक प्रोग्राम है CSE का, वो IBM के साथ इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। उसमें इंडस्ट्री से एक्सपर्ट आपको आगे पढ़ा रहे हैं, और बाकी के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं आपके, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री के साथ टाई अप्स करके पढ़ाई जाती हैं। और बहुत सारे कोर्सेज में जो आपको फ़ीस देनी है, वो हाफ फीस आपको पहले देनी है, और हाफ फीस जब आप प्लेस हो जाएंगे इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ के, फिर आपको देनी है। देखिए यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी अच्छी आपको ऑफर दे रही है। और ये देखिए यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है अपना एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे सारे अपने चेयरमैन सर वगैरह, डायरेक्टर सर यहाँ पे बैठते हैं, तो आप आके उनसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया यूनिवर्सिटी का। सो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? हम ठीक है सर। कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ सर। मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, आगरा। बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी से आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? बीटेक CSE विद स्पेशलाइजेशन AIML अंडर IBM। वेरी गुड। कौन सी ईयर में आप? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा अब। कैसा लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको? इट्स वेरी नाइस, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। कैंपस भी अच्छा ही है, नेचर इतना ज़्यादा सिटीज़ में नहीं मिलता। क्या अट्रैक्ट किया इस यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे आने के लिए? सर बेसिकली IBM वॉज द मेन फैक्टर। ओके, देन यहाँ पे जब आए, देन वी गॉट टू नो दैट द स्टाफ इज, फैकल्टी इज, एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी सपोर्टिव। दे थिंक दैट आप आ गए हो बीटेक में, देन यू कैन अचीव द होल वर्ल्ड, कि आप फर्स्ट ईयर से ही सब करना चालू कर दो एंड दे विल हेल्प यू, गाइड यू इन वॉट एवर वे यू नीड। ओके, बताएं कि और क्या फैक्टर आपको अट्रैक्ट किए यहाँ पे? वैसे तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स हमारे हैं वो पढ़ाई को छोड़ के और क्या अट्रैक्ट करता है यहाँ पे? पढ़ाई को छोड़ के कोलकाता से यहाँ की जर्नी में, यहाँ का जो कैंपस है ये सराउंडेड है शिवालिक के फुटहिल से, और यहाँ पे सतलज रिवर बहती है। सो यहाँ पे क्या है कि एक नेचर व्यू बहुत अच्छा मिलता है, एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है पढ़ने के लिए, या फिर आप एक कहते हो यहाँ पे एक पीसफुल कामनेस मिलता है। ठीक है, और रहा सवाल को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं न्यूमरस इवेंट्स में,
बाकी स्पोर्ट्स में भी देखा जाए तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टाइकोंडो, वुशू, बॉक्सिंग एंड अलग अलग तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जगह जगह पे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल्स भी ला रहे हैं। थैंक यू। जैसे आप बीटेक सीएससी आईबीएम के साथ कर रहे हैं, आपने दूसरे यूनिवर्सिटियाँ इंडिया में भी देखी होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि आज की डेट में चार्ज किया जा रहा है फीस, यहाँ पे कितना है और कैसे आपको लगा? क्योंकि बच्चों को रहता है कि वो करना चाहते हैं बट फीस की वजह से वो कई बार अच्छी जो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जो अच्छे टाइप के दे रही हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसे मेरे को बताएं आप। सर सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कि अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से यहाँ पे जो एकदम सबसे मेन फैक्टर पड़ता है वो होता है यहाँ पे जो इनका कोर्स स्ट्रक्चर है। लास्ट वन एंड हाफ ईयर जो हमारे मतलब लास्ट के तीन सेमेस्टर्स है वो हमारे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए की प्रोजेक्ट्स हैं प्लस ऑन जॉब डिप्लॉयमेंट है। अभी कहीं ना कहीं देखो जो फीस है वो भी यूनिवर्सिटी ने बहुत जेन्युइन रखी है ताकि बच्चा जिसको एक्सपोजर लेना वो भी यहाँ आके एक्सपोजर ले सके आईबीएम, ऐसा भी है? बिल्कुल सर, फीस जो है बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो बहुत कम है, बहुत रीजनेबल है क्योंकि मेरे हिसाब से बीटेक स्ट्रक्चर के लिए ऐसा फीस इंडिया में कहीं नहीं मिलता। उसके अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे फीस के कि आप आपके पास लोन की भी प्रोबेबिलिटी की आप लोन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपको लोन किए हुए हैं बैंक जी तो यूनिवर्सिटी आपको वहाँ भी हेल्प कर सकता है, प्लस यहाँ पे ईएमआई के भी ऑप्शंस है। तो मॉनेटरी रीजंस के हिसाब से हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच जो आपने बताया ताकि उन बच्चों को ये हेल्प मिल सके जो कई बार फीस हायर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं बट फीस की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। अभी हम हैं स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के और सर हमारे साथ हैं, सर से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, सर थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग था होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, ओके, उसको 2020 के अकॉर्डिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से हमने इस प्रोग्राम को रीडिज़ाइन किया है। ओके। इसमें बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर में ऑन कैंपस रहेगा जो कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा और लिटिल बिट जो हमने एक डेमो क्लासेस देने के लिए चीज़ें प्रैक्टिकल प्रोवाइड करने के लिए सेटअप तैयार किया हुआ है उस पर वो एक्सपीरियंस लेगा। देन आफ्टर जो सेकंड फेज़ होगा उसका लर्निंग फेज़ के बाद अर्निंग फेज़ होगा जो कि सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर होगा। ओके। जिसमें हम बच्चे को डिप्लॉय करते हैं जितने भी स्टार कैटेगरी या फाइव स्टार कह लो आप या रिजॉर्ट या रिजॉर्ट काइंड ऑफ होटल्स होते हैं उसमें हम बच्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए डिप्लॉय कर देते हैं। तो सर मुझे ये बताइए जो बच्चा सेकंड ईयर ऑनवर्ड जा रहा है यहाँ पे एक साल पढ़ने के बाद तो बच्चे को कुछ मिलेगा इंडस्ट्री के अंदर कि नहीं वो काम करेगा, थोड़ा सा सर प्लीज़ बताएं। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जिसको हमने एक टर्म दिया हुआ है जिसका नाम है लर्न एंड अर्न। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बच्चा ऑन कैंपस फर्स्ट ईयर रहेगा जिसमें थियरी पार्ट वो देखेगा, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में ऑफ कैंपस चला जाता है दैट इज़ इंडस्ट्री में बच्चा चला जाता है, राइट। इंडस्ट्री में बच्चे को पर मंथ एक स्टाइपेंड जो कि होटल प्रोवाइड करता है वो रेंज करता है 8,000 से लेके और 12,000-13,000 तक जाता है डिपेंडिंग ऑन द कैलिबर एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, जिस तरीके के क्वालिटी बच्चे ने अचीव की है ड्यूरिंग लर्निंग फेज फर्स्ट ईयर कैंपस में रहते हुए। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू बच्चे को हम डिप्लॉय करते हैं होटल इंडस्ट्री में। ओके। ऑल अक्रॉस इंडिया। सो थैंक यू सर, और आपके लिए देखिए बीएससी अगर आप यहाँ करते हैं तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए यूनिवर्सिटी के ऐसे अट्रैक्टिव प्रोग्राम आपको और दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और 100 acres के अंदर फैली हुई है। ये है यूनिवर्सिटी का सेकेंड गेट जो आप देख रहे हैं और यहाँ से जो आपको डिपार्टमेंट एंटर होते ही दिखते हैं यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट है। सामने आप थोड़ा सा और आगे आइए मैं बताऊंगा जो गेट नंबर 2 से एंट्री हो रही है ये है यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे है यूनिवर्सिटी का, ये है यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल। तो यूनिवर्सिटी के आप जब सेकंड गेट से एंटर होते हैं तो ये तीन डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं और बच्चे भी यहाँ से एडमिशन लेके वापस आ रहे हैं। और यहाँ से आप अगर आगे चलते हो तो आपको प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर बसेस की भी बात की जाए तो फुल्ली एयर कंडीशन बसेस हैं यूनिवर्सिटी में जो आसपास के बच्चों को लेके आती है। अगर यूनिवर्सिटी के मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे लॉ करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर बीए एलएलबी है, एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी के कोर्सेज हैं अगर लॉ स्कूल की बात की जाए। आइए आगे भी ऐसी यूनिवर्सिटी में घूमोगे और इंजॉय करोगे बच्चों की तरह। आइए सो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं LTSU B Pharma के, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। फाइन सर। कैसे हैं आप?
अच्छा बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ से हैं? मणिपुर से। आप? मणिपुर से। मणिपुर से। मेरे को ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे और कोर्स कैसा चल रहा है? ईयर में है? हम फर्स्ट ईयर हैं। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। ओके, जो मणिपुर से अब फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, जो हमारी लेचू है ना बहुत हमारी तरफ से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत हेल्प किया फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, जो हमको उधर अभी बहुत क्राइसिस एंड लाइक नेचुरल डिजास्टर, देयर आर मैनी थिंग्स हैपनिंग आउट देयर, मोस्ट ऑफ आवर जस्ट व्हाट टू से उधर हमारी मणिपुर लोग, देर आर मैनी पुअर, देर आर सम पुअर पीपल हु कैन अफोर्ड सस यूनिवर्सिटी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा एजुकेशन को, उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने भी टाई अप्स हैं बैंकों के साथ, तो मेनली वो हेल्प आपको यहाँ पे आके। थैंक यू। सो जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं वो सारे फूड कोर्ट हैं, यहाँ पे आप अपने आके फूड का एंजॉय कर सकते हैं। आपको स्टेशनरी की टक शॉप, आपको कोई भी आपको स्टेशनरी लेनी है वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी का ग्राउंड। आप देखिए पीछे वो शिवालिक रेंज है पहाड़ियों की जो पीछे जा रही है, और ये है स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पे बच्चे आपको शाम को खेलते हुए बहुत अच्छे लगेंगे, और आप जब यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको भी बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम पूरे साल ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो चलिए आगे आइए। सो ये है यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, और वो है गर्ल्स हॉस्टल के एंट्री के ब्लॉक। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं गर्ल्स हॉस्टल के लिए, अगर आप यहाँ से एंट्री हो जाती है जो मैंने आपको दिखाया था। और ये गर्ल्स के खेलने के लिए अंदर बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं और इस तरह आपको ये सारा कुछ मिलेंगे तो। और अगर हम इस साइड जाते हैं, अगर जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हम उस साइड जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे हमें बॉयज़ हॉस्टल। तो चलिए थोड़ा सा वो भी आपको हम विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं। तो अभी हम आगे हैं आगे, और ये देख रहे हैं आपको फैकल्टी हाउसेज, यहाँ पर फैकल्टी के लिए अपार्टमेंट दिए गए हैं जो यहाँ पर फैकल्टी रहती है। और यहाँ पे थोड़ा सा पहले व्यू भी देख लीजिए, और मैं आपको बॉयज़ हॉस्टल की तरफ ले जा रहा हूँ। ये जो आप सामने शिवालिका हिल्स देख रहे हैं, ये चारों ओर आपके माउंटेन के बैक साइड में भी आती है। तो ये होने वाला है प्यारा सा हॉस्टल आपके लिए जो आप देख रहे हैं, और बालकनी के अंदर बैठ के आपको इंजॉय करना है। तो अभी हम जो लैम्बडन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, तो कुछ बच्चे हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? सर राजस्थान से, गोरखपुर से। सो ये हॉस्टल है, इनसे पूछ लेते कैसे चल रही है हॉस्टल लाइफ। सर बढ़िया चल रही है एकदम। ओके, जैसा अभी तो ठीक चल रहा है सर। वेदर कैसा रहता है पूरा? सर वेदर एकदम बढ़िया, क्लाइमेट रहता है। ओके, और क्या कोर्स कर रहे हैं? सर बीटेक सीएससी। और जो आईबीएम वाला कोर्स है वो कर रहे हैं? आईबीएम वाला कर रहे हैं। और आप? आईबीएम का ही है। क्यों सिलेक्ट किया था? सर वही जो जल्दी से मतलब जॉब लगने लगने के इंडस्ट्री कोर्स था, इसलिए सिलेक्ट किया था ये, जल्दी से इंटर्नशिप लग जाएगी उसी बेसिस के ऊपर। पैसा जरूरी है सबके लिए। चलिए, हॉस्टल का खाना कैसा? बढ़िया है सर एकदम। ये टू सीटर मिलेगा, हर बच्चे को टेबल और चेयर मिल जाएगी, यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, ठीक है, जैसे दूसरे बच्चे के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको मैं कपबोर्ड दिखाने वाला हूँ, जो कपबोर्ड आपको अपनी मिलेगी एक बच्चे को, तो ऐसे आपको एक कपबोर्ड मिल जाएगी आपको रखने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इन एसी और नॉन एसी में बस ये डिफरेंस लेना, इसमें एसी नहीं है, उसमें एसी लग जाएगा। और इन सब में कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, बट कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि लाइक हमें तो अटैच वॉशरूम चाहिए, एसी वाला भी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हॉस्टल 40,000 सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है और 150 लाख तक जाता है, जैसा भी आप हॉस्टल लेना चाहें वो एज पर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से आप बात कर सकते हैं, वैसा हॉस्टल रूम आपको। अटैच वॉशरूम की बात करें तो ऐसे रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, एसी यहाँ पे लगा हुआ मिल जाता है, तो ये एसी और नॉन एसी में आपको डिफरेंस रहता है, तो ये आप रूम देख सकते हैं। ये है यूनिवर्सिटी की मेस जो आपको 4 टाइम मिल देती है। देखिए आपको 40,000 में रहना, खाना पीना पर सेमेस्टर से जो स्टार्ट हो रहा है, तो कितना यहाँ पे आपको फैसिलिटी ही फैसिलिटी मिलती है। और लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए सबसे, क्योंकि वैसे तो गर्ल्स में भी जिम है, बट हम बॉयज़ के अभी हॉस्टल में है तो आपको जिम भी दिखाने वाला हूँ, आइए आप। तो ये है यूनिवर्सिटी के जिम, मैं तो डोले सोले बना रहा हूँ, आप भी बना लेना जब आप यहाँ पे आओगे। तो सराउंडिंग में आप सारा देख रहे हैं, और यहाँ पे सर ने हमें ये भी दिखाया, आप अगर देसी तरीके से अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो
तो ये है यूनिवर्सिटी की जिम। और सबसे अच्छी बात है हर तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, पेरेंट्स को कंसर्न रहता है सिक्योरिटी का, तो फुल सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है। आइए तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं और कितना प्यारा कलरफुल हॉस्टल है। आइए तो अभी हम खड़े हैं IBM की लैब के पास, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हो IBM इनोवेशन लैब। और इसकी खास बात ये है कि ये जो स्टूडेंट रिसर्चर फैसिलिटी फैकल्टी स्टार्टअप्स MSME एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमेशा खुली रहती है, आप किसी भी टाइम यहाँ आके कर सकते हो। और सबसे अट्रैक्टिव एक चीज़ रहने वाली है, जो स्टूडेंट IBM से यहाँ बीटेक करने वाले हैं उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं, तो आप घर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैब में आके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूरी की पूरी जो लैब है वो IBM के द्वारा प्रोफेशनली डिज़ाइन की गई है, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो जॉब करने जाते हो तो आपको वैसा ही एक्सपोजर मिल सके जैसा कि यहाँ पे लैब में मिल रहा है। तो जो मेरे आप इस साइड डिपार्टमेंट देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो बच्चे कुछ रिमोट एरियाज से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, और अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ तो आप बीटेक कर ही रहे हैं, कोई भी कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है उसके लिए यूनिवर्सिटी की स्पेशल क्लासेज यहाँ पे उनको प्रोवाइड करवा जाती है, ताकि बच्चे की कम्युनिकेशन कंपनी में जाने से पहले इतनी अच्छी हो जाए ताकि वो आराम से प्लेस्ड हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है पोर्ट टेक्निकल के जो बच्चों ने पीछे आप मेरे देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे मॉडल बनाए हैं। तो अगर आप 10th के बाद कोई कोर्स यहाँ पे करना चाहते हैं पोर्ट टेक्निकल में, तो आप सारे कोर्सेज यहाँ पे आफ्टर 10th डिप्लोमा में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे पूरा देखोगे तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे मॉडल बच्चों ने बनाए हैं और बहुत टेक्निकल मॉडल बनाए हैं। और इसके साथ यहाँ पे सारी लैब्स हैं पोर्ट टेक्निकल की, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज हमने आपको पूरी यूनिवर्सिटी के विजिट्स करवाई, कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कैसे कैसे आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, कैसे कैसे आप पे आफ्टर दी प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, जैसे IBM L&T टाटा जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ने इसको सेटल्ड किया। और सबसे अट्रैक्टिव जो आपका इनका प्रोग्राम था IBM के साथ बीटेक, आपको 2.5 ईयर के बाद ही आपको स्टाइफंड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, होटल मैनेजमेंट में 1 ईयर के बाद ही आपको स्टाइफंड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ आप आके कोर्सेज कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ जाके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपका कोई कमेंट हो तो हमें लिखें। और ऐसे ही भारत की यूनिवर्सिटियाँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियाँ विजिट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।